महामंगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। जगह क्या माहिष्मती में पड़ेगी अकाल? क्या माहिष्मती को संभालेगी महेंद्र बाहुबली की बेटी? कोई भी फिल्म सिर्फ हीरो की वजह से नहीं हिट होती, बल्कि फिल्म में ऐसे कई किरदार होते हैं जिनकी वजह से फिल्म हिट बनती है। उनमें से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है विलन का, जिसके बिना हर फिल्म अधूरी है। ऐसे ही किरदार था भल्ला देव का, जिसने बाहुबली को पहले, अगर हम बात करें पहले और दूसरे पार्ट में, अपनी ताकत से सबको चौंका दिया था। पर जैसा कि हम जानते हैं कि बाहुबली 2 की एंडिंग में भल्ला देव की मौत दिखाई गई थी, और तो और उनकी मौत में, अगर हम बात करें मौत से भी पहले ही लड़के की मौत दिखाई गई थी। इसका मतलब ये है कि पार्ट 3 में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो भल्ला देव की मौत का बदला लेने आए, जिसकी वजह से हम एक नए विलन की एंट्री मान कर चल सकते हैं। ये नहीं बताया जा रहा है कि विलन का कैरेक्टर कैसा होगा, माहिष्मती और बाहुबली से उसकी क्या दुश्मनी होगी, पर ये जरूर सुनने में आ रहा है दोस्तों कि विलन का कैरेक्टर प्रकाश राज को ऑफर किया गया है। प्रकाश राज साउथ सिनेमा के बहुत ही ज्यादा दिग्गज एक्टर हैं, जिन्होंने हिंदी फिल्म में भी बहुत ही की है। प्रकाश का कैरेक्टर मूवी में तभी इम्पोर्टेंट बन जाएगा जब वो एक पड़ोसी राजा के किरदार में दिखाए जाएंगे। माना जा रहा है कि महेंद्र बाहुबली के राज में भारी अकाल पड़ जाएगा, जिसके कारण बीमारी और गरीबी फैल जाएगी। ऐसे में पड़ोसी राज्यों के लिए ये एक अच्छा मौका बनना जाएगा कि माहिष्मती को अपनी चपेट में लेने का। प्रकाश राज ऐसे ही ऐसे एक पड़ोसी राज्य के राजा के रूप में देखने को मिल सकते हैं, पर उन्होंने अभी ये रोल एक्सेप्ट नहीं किया है, पर फैंस उन्हें इस रोल में देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। बाहुबली की कहानी केवल एक पीढ़ी तक ही नहीं होगी सीमित, बल्कि आपको बता दें डायरेक्टर SS राजामौली इसे केवल एक पीढ़ी तक सीमित रखना चाहते हैं। जब बाहुबली की बात की जाए दोस्तों, तो ऐसा कि स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स को बुलाया नहीं जा सकता। फिल्म की शुरुआत में हमें ये देखने को मिला था दोस्तों कि कैसे शिवगमी ने अपने प्राण त्याग कर महेंद्र बाहुबली को बचाया था। आगे चलकर हमें बात करें अवंतिका और देवसेना जैसे मजबूत और निडर औरतें भी हमें देखने को मिली थी। तो ऐसा ही सवाल बनता है कि क्या माहिष्मती की, अगर हम बात करें गधी को, कभी कोई बेटी संभाल पाएगी? बाहुबली का सिर्फ एक ही बेटी थी दोस्तों महेंद्र, पर सुनने में आ रहा है कि बाहुबली 3 में महेंद्र बाहुबली की बेटी दिखाई जाएगी, जिसे अवंतिका जन्म देगी। वह अपने पिता और दादा की तरह ही निडर और काफ़ी ज़्यादा बेबाक होगी, और देवसेना जैसे गुरूर उसकी रोगों में दौड़ेंगे। फिल्म का प्लॉट कुछ इस तरह ही दिखाया जाएगा। वेल दोस्तों, आपका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं।